अलीराजपुर जिले में बच्चों की तस्करी का मामला इन दिनों चर्चा में है। मानव तस्करी के इस मामले में मास्टरमाइंड सेलू राठौड़ और केशर हॉस्पिटल के संचालक राजू डॉक्टर को पुलिस ने 21 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर लिया है। गौरतलब है कि मानव तस्करी मामले को लेकर पुलिस ने मास्टरमाइंड आरोपी सेलू राठौड़ को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया था, लेकिन सेलू ने केवल इक्का दुक्का लोगों के ही नाम बताए थे। इस पूरे केस में पुलिस ने अभी तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 5 बच्चे बरामद किए हैं, जिन्हें अलीराजपुर नानपुर बाग सहित गुजरात के छोटा उदयपुर में बेचा गया था। हर बच्चे की कीमत अलग अलग तय की गई थी। सबसे अधिक कीमत पहला खा 40,000 रुपए में छोटा उदयपुर के पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष राजू अग्रवाल को बच्चा बेचा गया था, जिसमें मुख्य आरोपी का रिमांड 17 नवंबर को खत्म होने पर पुलिस ने जिला चिकित्सालय भेजकर मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां पर कोर्ट ने 21 नवंबर तक रिमांड के लिए पुलिस को सौंपा। सेलू के साथ 3 अन्य आरोपी आनंद नरेंद्र बाई सिंह को भी पुलिस रिमांड पर लिया है। वहीं आरोपी देव सिंह दिनेश दिलीप को जेल भेज दिया गया है। थाना प्रभारी दिनेश सोलंक ने बताया कि शनिवार को नानपुर से दिलीप वानी को गिरफ्तार किया गया है। दिलीप के साथ 9 माह की बच्ची को भी लाया गया, जिसे 8 माह पहले केशर हॉस्पिटल से दिलीप ने नरेंद्र द्वारा 30,000 रुपए लिया था। पुलिस कप्तान विपुल श्रीवास्तव से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि सन 2011 से 2018 तक कुल 51 बालक व 299 बालिकाओं की गुमशुदगी दर्ज की गई। वही वर्तमान में कुल 20 पुरुष 128 महिला 1 बालक और 28 बालिका कुल मिलाकर आज तक 177 आज भी लापता है। अब सवाल यह उठता है कि जब पुलिस रिकॉर्ड में 177 लोग आज भी लापता है, तो बगैर रिकॉर्ड के कितने लोग लापता होंगे। जिले से 177 का लापता होना कई सवालों को जन्म देता है। इन दिनों जिला मुख्यालय पर मानव तस्करी वाले गिरोह का पुलिस प्रशासन ने पर्दाफाश किया था, जिसमें जयश आदिवासी संगठन भारतीय किसान संघ ने एसडीएम को ज्ञापन देकर मानव तस्करी गिरोह पर आदिवासी लड़कियों की तस्करी की आशंका जताते हुए जांच कर गिरोह में शामिल सभी लोगों के स्थानीय दस्तावेज निरस्त कर 5वीं अनुसूची क्षेत्र में इस तरह बाहरी व्यक्तियों द्वारा अवैध मानव तस्करी करने पर देशद्रोह का मुकदमा दायर करने और सीबीआई जांच की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। इस मामले में बच्चों की तस्करी को लेकर एक मामला पकड़ा था, उसमें हमारे 4 बच्चे रिकवर हुए हैं और उसी के इन्वेस्टिगेशन को जब थोड़ा सा हमने आगे बढ़ाया तो जो हमारा मेन आरोपी है शेरू राठौर, उससे ये मालूम पड़ा था कि कुछ बच्चे उसने केसर हॉस्पिटल से भी है ना खरीदे थे। तो इसी के रेफरेंस में हमने गुजरात के केसर हॉस्पिटल के ना डॉक्टर राजू को ना बुलाया था और पूछताछ में उनके और उनके जो प्रबंधक हैं परेश, उनसे ना कुछ इस टाइप की चीज़ें मिली है कि ना जो कि आपत्तिजनक बोले हैं, जो ट्रैफिकिंग में उनका इन्वॉल्वमेंट सामने आया है, इसी के चलते हमने उन लोगों को कल अरेस्ट किया है। तो मामला भी इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ कर रहे हैं। जैसे कि उनके यहाँ से जो बच्चे डिलीवर हुए हैं, तो अगर पेरेंट्स कुछ ऐसा था उनके यहाँ के, अगर पेरेंट्स ले जाना नहीं चाह रहे थे कुछ कर रहे थे, तो उसके लिए लीगल प्रोसेसर है, लेकिन उन्होंने वो ना करते हुए उनसे जो भी उनकी फीस है वो भी ली और उनको बच्चे को है ना शेलू को सेल किया है। ये है ना चीज़ हमको इन्वेस्टिगेशन में मिली है, इसलिए हमने उनको अरेस्ट किया, उनका मामला है ये क्लियर हुआ है। तो अभी 370 में इनकी गिरफ्तारी की है हमने और अभी मामले में अभी उनको हम पीआर वगैरह और ले लेंगे, मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है, तो कुछ और अभी क्लियर होगा तो फिर आपको बताएंगे। ये केसर हॉस्पिटल जो आपका छोटा उदयपुर में है, वहाँ से हमारा एक आदमी ने बच्चा रिकवर किया था, तब इन्वेस्टिगेशन में ये चीज मिली कि ये बच्चा छोटा उदयपुर के हॉस्पिटल में डिलीवर हुआ है और जो आरोपी है शेलू, उन्होंने डॉक्टर राजू से एक बच्चा खरीदा है, तो इसलिए हमने उनको अरेस्ट किया। 12 आरोपी हो चुके हैं इसमें अब तक, 12 लोग ना, 5 हमने इनिशियल स्टेज पे ना पहले दिन से हमने गिरफ्तार किए थे, उसके बाद में ना 5 आरोपी हमारे और बढ़े हैं, कल ये हमने ऐसे 2 और किए हैं, डॉक्टर है ना राहुल और परेश, तो इन दोनों को मिला के हमारे 12 आरोपी हुए हैं। अलीराजपुर ब्यूरो बब्बू मकरानी के साथ शुबेर निजामी की रिपोर्ट।